अस्सलामुअलैकुम भाइयों एंड लेडीज़, आज हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। कल हम इस्लामाबाद से हरिपुर से होते हुए बालाकोट और फिर कागान और नारान और बाबूसर हमने रात में क्रॉस किया। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब हम पहुंचे हैं जी चिलास में, और हम वापस मेन सिटी की बजाय हम आगे आ गए हैं। गिनी नाम है मेरे ख्याल से इस जगह का। तो चूंकि ईद उल फितर है, इस वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स सारे बंद थे। हमें मुश्किल से दाल मिल गया भूख बहुत लगी थी, लंच भी नहीं किया था। दूसरा एक यहाँ पे होटल है, गेस्ट हाउस, ये मेन पेट्रोल पंप के तकरीबन साथ ही है। तो ईद के वापस सारे बंद थे तो हमें यहाँ रुकना पड़ा। लेकिन ये है कि ईद और नॉट दिस गेस्ट हाउस इज़ नॉट रिकमेंडेड। एक तो चिलास में इतनी गर्मी होती है, मुझे आइडिया नहीं था। हालांकि आई एम फ्रॉम स्कर्दू एंड आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू दिस रूट बिफोर, बट आई हैड नो आइडिया हाउ हॉट इट इज़ इन चिलास। तो वो यार रात को उबाला है यार, पकाया है। तो ये हम मेरे साथ जा रहा है, और अभी आगे का ये प्लान है कि हम इंशाल्लाह इधर अगर देखते हैं नाश्ता वगैरह मिलता है तो नाश्ता करेंगे, फिर हम निकलेंगे जी अस्तोर के लिए। अस्तोर वैली से फिर हम आगे जो साइड प्लेन्स में कुछ अपनी फोटोग्राफी वीडियो वीडियोस कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्कर्दू उतरेंगे और रात में अटुनासिर की मेहंदी में जाएंगे। तो यार ये क्या नाम है, सी पैक गेस्ट हाउस, ये कोई पैक वैक नहीं है भाई, ये बहुत बुरी हालत में है ये जगह। तो ये है जी जिसका हम सबको, मुझे स्पेशली, बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो ये है BMW G650 GS। टू थाउजेंड फोर्टीन मॉडल है और ऑब्वियसली मैंने यूज में लिया नहीं। अभी तक इसका मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मतलब यार आई हैव जम्प फ्रॉम यामाहा YBR 125G डायरेक्टली टू दिस, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो ये है अहमद, और अहमद भाई कहता है कि भाई नाम रखो बाइक का, क्या कहते हो यार, क्या नाम रखें, क्या करूँगा, जैसे कि बल्टी ऑन बाइक है तो इसका नाम होना चाहिए बॉब। ये मैं नाम मैंने खुद बताया, ये क्रेडिट लेना चाह रहा है। देखो बल्टी ऑन बाइक है तो मैं अपने इनिशियल्स POV बॉब, तो मैं सोचा ये अच्छा नाम है यार। वैसे ये लगता भी कोई बॉब है वैसे बाइक के, देखे बॉब लगता है नहीं बॉब। तो भाई आज से बॉब और बल्टी ऑन बाइक आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान घुमाएंगे। दोस्तों हम आज 10 जुलाई सुबह 7 बजे हम गिनी चिलास से निकल रहे हैं। ये हम चिलास क्रॉस करते हुए, और यार इस ब्रिज का क्या नाम है अहमद, आज हमारी आइटिनरी फिर इस तरह से है कि हम अस्तोर के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह। अभी 7 बजे चिलास से निकले हैं, तो कम से कम हम 8 बजे करीब चिलास सॉरी अस्तोर ब्रिज क्रॉस करेंगे, और ब्रिज से जो है अस्तोर तक मेरे ख़्याल से 40 किलोमीटर्स है। और ये जी आपका तत्ता पानी जिसे कहते हैं, यहाँ पे रोड अक्सर ख़राब रहता है, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है, तो इस दफ़ा काफ़ी जो पोर्शन है इन्होंने बना दिया हुआ है। अब हम ये अस्तोर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं कराकरम हाईवे के ऊपर से, और थोड़ी देर में आपको हम ब्रिज के ऊपर हम बताएंगे ब्रिज के बारे में और वहाँ अस्तोर के डिस्टेंस वगैरह के बारे में।
कराकरम हाईवे के ऊपर से डाइवर्ट होने के तकरीबन 3 किलोमीटर बाद इंडस रिवर पे ये है जी थल्लीची पुल अस्तोर। यहाँ से फिर अस्तोर जो सिटी है वहाँ तक 42 किलोमीटर का रास्ता है। तो अभी हम अस्तोर की तरफ निकलेंगे और वहाँ पे नाश्ता वाश्ता फोड़ के फिर चिलम और उधर से फिर आगे जोसाई और इंशाल्लाह शाम तक घर पहुँच जाएंगे स्कर्दू। क्या क्या मिलता है आप बताओ ना यार, आप बताओ नाश्ते में क्या मिलेगा यार। तो गाइस हम यहाँ पे नाश्ता करके निकल पड़े हैं अस्तोर के अंदर ही कहीं पे। और अस्तोर के रास्ते के बारे में, अस्तोर के लोग हालांकि कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे हैं और ऑल प्रोविंशियल जो भी सेटअप है उसमें, फिर भी इन एरियाज़ में भी ये जो सड़क और रोड के जो सूरत हाल हैं इंतज़ामिया के तवज्जो का की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी इस रीजन में जितनी टूरिज़्म हो सकती है आई थिंक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अगर इसके ऊपर काम किया जाए। आपको फील होता है कि इंजन पावर क्या होता है, क्या होती है, क्या होता है माइंड नहीं करें तो वो देखें वो मौके हैं अभी तक उनको सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है।
एफर्ट्स अभी इनिशिएटिव कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं कुछ, दे आर कमेंडेबल, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये टूरिज्म के हवाले से इस तरह के इकदाम उठाएंगे। बाकी सोशल लेक पर मिलते हैं, तो आप ये व्यूज इंजॉय करें।